किसी ने फायर किया उस टाइम। उसके बाद सिद्धू साहब के डायरेक्शन से इमीडिएटली डीएसपी एसएचओ मंडी गोविंदगढ़ और बाकी जी पुलिस पार्टी मौके से पहुँच गई। मंडी के बिजनर स्वीट्स घरी है उ चौक के कंप्लेंट। ये तस्वीर मंडी गोविंदगढ़ के चौड़ा बाजार दियां ने जिथे चौक च फायरिंग हुई है। तस्वीरां च तुसीं देख सकते हो कि दो धड़े आपस च लड़ रहे हैं। कहा गया कि दोवें दोस्त सन, इन्हां दी लड़ाई हुई तो लड़ाई इन्नी वध गई कि एक ने दूजे ते गोलियां चला दित्तियां। तस्वीरां दे तुसीं देख सकते हो कि पहला एक दूजे नाल धक्का मुक्की कर रहे ने, थप्पड़ भी मारे जा रहे ने। यह लड़ाई वधदी गई तो फिर एक शख्स पिस्तौल कढ़दा है, गोलियां चलाउंदा है, तो फिर सब उत्थों भज जांदे ने। यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक पासे दावा हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह नाल काबू दे हेठ है, चोण जाबता लग्या होया है, दावे तमाम हो रहे ने, पर यह तस्वीरां जो सामने आ रही ने सवाल खड़े कर दिए ने कि किवें भीड़ भाड़ वाले जिहड़े इलाके ने उत्थे सरेआम फायरिंग हो रही है। 112 ते जी कोई कंप्लेंट अपने कंट्रोल रूम में मिली थी, जिस च बंदे ने कंप्लेंट दी थी कि किसी ने फायर किया उस टाइम। उसके बाद एसएसपी साहब के डायरेक्शन से इमीडिएटली डीएसपी एसएचओ मंडी गोविंदगढ़ और बाकी जी पुलिस पार्टी मौके से पहुँच गई और जोड़े कंप्लेंट सी उसको वेरीफाई करके और सारी कार्रवाई अमन के चलाई जा रही है। हाँ जी, बड़ी इनिशियल स्टेज है ये तो, और पुलिस लगी हुई है कार्रवाई के वक्त वक्त टीम एसएसपी साहब के निर्देशानुसार बनाई हुई है जी अपनी कार्रवाई अमल ला रही है और छेती आप जी है सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करके इन क्लोज कर लिया। मंडी के बिजनर स्ट्रीट्स जी है उ चौक के कंप्लेंट।